नरेंद्र है, मेरा पुत्र सुरक्षित रहना चाहिए। निश्चिंत रहे महाराज, जब तक आप मेरे कहे अनुसार करेंगे अंबी कुमार को कुछ नहीं होगा। वो तभी संभव है जब तुम झेलम पार करने का अपना दावा सिद्ध करोगे। वो देखो सामने, अब समझ आ गया ना तुम्हें? पूरी सेना के साथ झेलम को पार करना बच्चों का खेल नहीं। उचित होगा कि तुम अंबी कुमार को तक्षशिला वापस लाने का संदेश भिजवा दो। इतनी बड़ी सेना के साथ झेलम को पार करना असंभव है। मैं प्रयास किए बिना हार नहीं मानता महाराज। प्रयास करें तो हर समस्या का हल निकल सकता। फिर भी यदि मैं असफल रहा तो आपको दिया वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता हूं आप क्या कहने आई हैं, मगर आप बेफिक्र रहे। जिसे खुद की किस्मत मालूम ना हुई वो ओरेकल अलेक्जेंडर की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। ओरेकल तो सिर्फ जानने का जरिया है अलेक्जेंडर, लेकिन क्या तकदीर हम लोगों की जिंदगी का फैसला नहीं करती? तकदीर इंसान ने इजाद की है मां, और जो होता है वो तदबीर से होता है। इंसान के मुस्तकबिल का फैसला उसके हाथों की लकीरें नहीं बल्कि खून पसीने से बनी तदबीर करती है। जब हमारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तो हम उसे तकदीर का नाम देकर अपना दामन साफ कर लेते हैं। अगर इंसान को उसके आने वाले कल के बारे में सब कुछ पहले से पता होता तो ना मुश्किलें होती, ना कोशिशें, ना कामयाबी और ना सदमे। आप ही कहती हैं मैं ज़ियूस की औलाद हूं, एक देवता का बेटा। तो फिर याद रखिए मां, तकदीर इंसान को डराने का जरिया है और मुकद्दर आम इंसानों को खौफ में रखने का हथियार। पर जिसे हुकूमत करनी है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अलेक्जेंडर, अगर एक पल के लिए भी और एकल की नजूमियत सही साबित हुई तो फर्क पड़ता है। मेरे पास कुछ है तो तुम हो अलेक्जेंडर। अगर तुम मैसेडोनिया लौट कर नहीं आए तो मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें ना खोने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। और मैं उससे मिलने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं जिसके लिए ओरेकल ने कहा कि वो मुझे रोकेगा। मैं भी देखना चाहता हूं मां कि कौन है जो ज़ियूस के बेटे को रोकने के लिए पैदा हुआ है। मेरा मकसद अब भारत को अपने शिकंजे में लेना नहीं बल्कि उसका सर अपने कदमों में झुकाना है जिसे तकदीर ने मेरे खिलाफ खड़े होने की ताकत दी है।